हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर सीए इंटर फर्स्ट पेपर, दैट इज योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए अब हमारी क्या गाइडेंस रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। देखो, पहला पेपर काफी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, पहला पेपर अकाउंट्स का, ठीक। अब ये पेपर डिपेंड करता है, मतलब इस पेपर की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी आपके आने वाले पेपर पे। अगर पहले ही पेपर अच्छा हो जाता है, पहला ही पेपर सर मजेदार हो जाता है, तो समझ लो आगे आने वाले पेपर्स में कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहेगा। और अगर पहला ही पेपर अच्छा नहीं होता तो आगे आने वाले पेपर में उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। बच्चा क्या रहता है कि माइंड में रहता है कि सर अकाउंट्स का जो कि सबसे स्कोरिंग पेपर है वही पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ना एक कहते हैं कि एक इम्पैक्ट जो है वो आगे आने वाले पेपर पे डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको किसी भी हालत में ये फर्स्ट पेपर अच्छा निकालना है, कैसे भी करके आपको ये पहला पेपर में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी देकर आनी है, सो दैट आगे आने वाले पेपर में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई है कि सर हमें किस तरीके से अब इस पेपर को इस टाइम पे एंड मोमेंट पे प्रिपेयर करना है। प्लस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी तैयार करी है जो कि आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। देखो यहां पर आपको दिख रहे होंगे, मैंने चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। आई होप यू विल एबल टू सी। चैप्टर वाइज कुछ मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, वो कहां से क्वेश्चन निकाले हैं, वो निकाले हैं आपके आईसीएआई के स्टडी मैट से। आईसीएआई के स्टडी मैट से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। देखो एंड मोमेंट पे अब आप सारे क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते, सब कुछ कवर भी नहीं कर सकते। बेटर क्या रहता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां भी आपने कॉन्सेप्ट्स लिख रखे हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए, चाहे आपने कोई क्लास ली थी तो वो क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आपने सेल्फ स्टडी किया है तो आपके पास आईसीएआई का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, या जो भी बुक आपने रेफर करी है वो बुक आपके पास होनी चाहिए फॉर कॉन्सेप्ट्स। दूसरी चीज, क्वेश्चंस के लिए बेटर तरीका यही रहता है कि सर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल देख कर जाओ लास्ट टाइम पे, और कुछ मत देखो, सिर्फ आईसीएआई का स्टडी मटेरियल और आरटीपी एमटीपी बताऊंगा वो किस तरीके से देखनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कोई आपने कहीं से भी क्लास ली हो, कोई भी बुक रेफर करी हो, मेरी क्लास ली हो, मेरी बुक रेफर करी हो, इस टाइम कुछ मत करो, सिर्फ आईसीए का स्टडी मटेरियल रखो। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नोट्स है, चाहे मेरे नोट्स है या किसी की भी नोट्स है, वो नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक। तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और आईसीए के क्वेश्चन देखने हैं। अब सर आईसीए के क्या सारे क्वेश्चन देखने हैं? सारे क्वेश्चन तो देख ही नहीं सकते, अब लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चन कैसे देखोगे? तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल रखे हैं जो आपको हर चैप्टर में फोकस करके चलने हैं। इवन मैंने टाइम शेड्यूल भी बना रखा है, बेटर रहेगा कि आप इसी तरीके से फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप इस पेपर में अच्छा परफॉर्म करके निकलोगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल मैंने कौन सा यूज किया है? अक्टूबर 2020 वाला एडिशन यूज किया है, जो भी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, अक्टूबर 2020 वाला एडिशन है, उसके स्टडी मेट उसके क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये लिस्ट तैयार करी है। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन पड़ा हो तो ये लेटेस्ट वाला एडिशन जाकर आप आईसीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। आइए जी डेट वाइज शुरू करेंगे, तो सबसे पहला है आपका डे वन, जो कि है 4 जुलाई 2021। 4 जुलाई मतलब परसों की बात कर रहा हूं मैं, आज 2 तारीख है, कल का दिन आपके पास है, परसों परसों सुबह से आपको एक्सक्लूसिवली अकाउंट्स करनी है। आज आप जो भी करते रहो, कल आप जो मर्जी करते रहो, लेकिन परसों सुबह से आपको सिर्फ अकाउंट्स को ही टाइम देना है। परसों पूरा दिन, 5 तारीख का पूरा दिन और 6 तारीख जो एग्जाम डे है उसके जो भी कुछ घंटे बचते हैं आपके पास, वो सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिवली अकाउंट्स को देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, कुछ स्ट्रेटजी ऐसी भी बनाते हैं कि हम एग्जाम से 5-6 दिन पहले सिर्फ अकाउंट्स ही अकाउंट्स पढ़े जा रहे हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। देखो अगर आप बोलो कि मैं पहला पेपर है उसमें स्टार्टिंग के 3-4 दिन लगा दूंगा, लगा दो सर, कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में भी तो आपको 1.5 से 2 दिन में तैयारी करनी है, तो अकाउंट्स को आप इतना ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हो, इतना ज्यादा टाइम देना वर्थ इट नहीं है, ठीक। हाँ 1.5-2 दिन मत दो, एटलीस्ट 2 से 2.5 दिन पूरे पूरे दे दो, बस इससे ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि सर 4-4, 5-5 दिन अकाउंट्स ही पढ़े जा रहे हैं, नहीं, बाकी चीजें स्किप होनी शुरू हो जाएंगी आपके माइंड से, क्योंकि आगे आने वाले पेपरों में टाइम गैप होता है कम, ठीक। तो एक अच्छी प्लानिंग बनाओ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, तो देखते हैं। तो पहला दिन 4 जुलाई का आप सुबह सुबह 6 बजे पढ़ने बैठोगे, ठीक, और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह के 5-6 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रेटेजी लेट नाइट पढ़ने की मत बनाना, प्लीज मत बनाना, अगर बनाते भी हो तो सर प्लीज
अब वो आपके ऊपर है, बट आई विल नॉट रिकमेंड लेट नाइट स्टडीज, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 6 घंटे की पढ़ाई निकालो, इसमें बीच में एक आधे घंटे का ब्रेक दे देना, जिसमें आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हो वो आधे घंटे का गैप दे देना, लेकिन कंटिन्यूअसली आपको 5.5-6 घंटे की आपको पढ़ाई निकालनी है। इस ये जो हाई टाइम है इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पिक करने हैं, 3 चैप्टर पिक करने हैं आपको। एक आपको पिक करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एक आपको पिक करना है इंश्योरेंस क्लेम, और एक आपको पिक करना है हायर परचेज। ये 3 चैप्टर आप लोगों को पिक करने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। लगभग मान के चलो सर 25 to 35 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं ये 3 टॉपिक्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसमें AS 13 भी कवर हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज। छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे नहीं बड़े भी नहीं, एक मीडियम लेवल की चैप्टर है, बेहद आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अच्छे से करके जाओ। ठीक, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं देखो, मैंने इसमें ब्रेकअप आपको किस तरीके से देखा है, जैसे इलस्ट्रेशंस में कौन कौन सी इलस्ट्रेशन आपको रेफर करनी है, ICA के बैक पोर्शन में कौन कौन से बैक पोर्शन आपको रेफर करने हैं, जैसे AS 13 है तो AS 13 की इलस्ट्रेशन कौन कौन सी रेफर करनी है, AS 13 के बैक पोर्शन में कौन कौन सा आपको रेफर करना है, या आपको चैप्टर वाइज इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये नंबर सेम है, जो मैंने यहाँ पर नंबर डाले हैं वो ICA के स्टडी मैट से मैच करते हुए नंबर हैं, तो आपको ढूंढने में इतनी कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। ठीक है जी, तो ये आपको क्या करना है, क्वेश्चंस रेफर करने हैं। ओके, तो पहले आपने 6 घंटे में 3 चैप्टर लगा लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम एंड हायर परचेज। उसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का आपका एक गैप है, रेस्ट है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अपना नहाओगे धोओगे, लंच वगैरह करोगे, थोड़ा नैप, अगर आपको शॉर्ट नैप लेनी है तो शॉर्ट नैप ले लेना, थोड़ा रिलैक्स करना माइंड को, क्योंकि फिर उसके बाद आपको अगेन लगातार 4.5 से 5 घंटे की सिटिंग निकालनी है। दैट इज 2 बजे से लेकर 7 बजे तक की आपको सिटिंग निकालनी है, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक की सिटिंग निकाल लेना। आधे घंटे का बीच में आप कभी भी ब्रेक दे सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए आधे घंटे का आप लोग ब्रेक दे देना, लेकिन 2 से 7 का आपको टाइम देना है स्टडी के लिए। इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें अगेन मैंने एक इंपॉर्टेंट एरिया पिक करा है जो कि कंपल्सरी एरिया है, दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एरिया, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू AS का टॉपिक करना है। और AS कौन कौन से उठाने हैं जो चैप्टर से अलग है, 2 AS है जो चैप्टर में कवर होता है, जैसे AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कवर होता है, AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में कवर होता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स है वो आपको यहाँ पर करने हैं, जैसे AS 1, 2, 10, 11, 12, 16, ये सारे AS कवर कर रहे हैं, और एक छोटा टॉपिक होता है फ्रेमवर्क का, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये सारे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे दिए। फ्रेमवर्क में भी सर आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन लिख के दे दिया। हालांकि फ्रेमवर्क में अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन बनता है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बनता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 टॉपिक हैं जो आपके थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, इन 3 टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, गलत नहीं कर लीजिएगा पॉइंट्स को, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसको लिख पाओ। ठीक है जी, तो 2 बजे से लेकर 7 बजे तक 5 घंटे के बीच में आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना है। अगेन इंट्रोडक्शन टू AS भी चैप्टर करके जाना है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, मत छोड़ना इसे। ठीक, बाकी सारे AS आपको कर देंगे। ठीक, उसके बाद 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का आपका रेस्ट टाइम है, इसमें आप लोग रिलैक्स करोगे, अगेन डिनर विनर करोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे, इवनिंग वॉक पे जाना है इवनिंग वॉक पे जाओगे, थोड़ा सा नैप लेनी है नैप ले लेना, जो भी करके आपको 2 घंटे रिलैक्स करने हैं। ध्यान रहे, ये 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, मतलब दिन में सोने की आदत मत डालना, प्लीज मत डालना, अगर है तो छोड़ दो, क्योंकि सर इसी टाइम पे आपका एग्जाम होता है। अगर आपको इस टाइम पे सोने की आदत पड़ गई है और फिर उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर इस टाइम पे अगर आप सोओगे तो एग्जाम में जाकर यू विल फील वेरी लेजी, आपको लेजी फील करेगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 12:30 बजे तक, जितना आपका टाइम अलाउ करे, जितने आपकी एनर्जी हो उतना, 3 घंटे 3.5 घंटे आप 3 टॉपिक्स उठाकर बैठोगे। ये छोटे छोटे टॉपिक मैंने यहाँ पर रखे हैं, जैसे प्री एंड पोस्ट का टॉपिक उठा लेना, ठीक, इसमें ये क्वेश्चंस कर लेना, बोनस एंड राइट इशू का टॉपिक उठा लेना, और एक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक उठा लेना। ये 3 टॉपिक आपको 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक करने हैं। ये Day 1 का शेड्यूल है, और सर Day 1 में ही आप लगभग 50 से 70 नंबर की तैयारी करके, मतलब 60% आप मान के चलो कि 60% की आप तैयारी करके उठ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? सर क्वेश्चन अब हमें कैसे करने हैं, क्या हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए? नहीं सर, सॉल्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन देखना है, ऑडिट टेक्निक को फॉलो करना है। प्रैक्टिस तो सर अब आपने जितनी कर लिया कर लिया, अब आपको ऑडिट टेक्निक फॉलो करनी है। सॉल्व करने बैठोगे तो ये क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे, ये क्वेश्चन भी सर काफी है, सारे क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिख के दिया क्वेश्चन, ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी है, तो यहाँ पर आप एक एक सॉल्व नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो ऑडिट टेक्निक।
हाँ बस ये है कि बीच में अगर आपको कोई एडजस्टमेंट में थोड़ी ट्रिकी लगती है तो उसको आप रफली कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक। बट पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बट हाँ अच्छे से आपको फॉर्मेट वगैरह देखना है कि भाई कैसे प्रेजेंट किया जाए आंसर को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो उसके आंसर्स को रीड कर लेना एक बार, सो दैट आपको वहां से कीवर्ड पता लग जाए। कोई मेन पॉइंट अगर आपने हाईलाइट कर रखे तो उन मेन पॉइंट्स को एक बार रिकॉल कर लेना, सो दैट आपके माइंड में वो पॉइंट रहेंगे। अगर आपने कोई चार्ट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। ये पहले डे वन की बात होगी। ओके, अब आता है सर हमारा डे टू, 5 जुलाई का दिन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगेन आपको सर 12 साढ़े 12 तक लास्ट डे वन पे अगर आप 12 साढ़े 12 सो जाओगे तो 6 बजे आपको उठ जाना है। 6 बजे आपको इन एनी केस उठना है। अगेन 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का आपको स्टडी शेड्यूल निकालना है, 5.5 घंटे का, आधे घंटे का बीच में ब्रेक दे देना, तो इफेक्टिवली 5.5 घंटे की स्टडी निकलेगी। इसमें हैवी टॉपिक उठाऊंगा, सुबह से पहले उठते ही हैवी टॉपिक उठाया करो। कौन कौन से टॉपिक हैवी उठाए मैंने यहां पर, उठाया मैंने एक फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ये उसके क्वेश्चंस रहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक हमने उठाया यहाँ पर, इसमें काफी क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के, ये क्वेश्चंस आपको देखना है। इसमें AS3 भी इंक्लूड होगा, तो AS3 के भी क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिख दिए हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके निकाल लिए हैं। तो लगभग 5.5 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर लगेगा। ओके, फिर 2 बजे से लेकर, फिर आपको क्या करना है, गैप देना है। अगेन 2 घंटे का गैप दोगे, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का स्टडी शेड्यूल निकालोगे, 5 साढ़े 5 घंटे का, आधे घंटे का ब्रेक दे देना। इसमें क्या क्या टॉपिक्स उठाए, इसमें आपने सिंगल एंट्री उठा लिया, डिपार्टमेंटल उठा लिया और ब्रांच अकाउंट उठा लिया। ब्रांच अकाउंट सबसे एंड में करना, क्योंकि सर मोस्टली बच्चा ब्रांच को बहुत ज्यादा सीरियसली करके नहीं जाता है। ये फ्रेंकली ये यही चीज होती है कि ब्रांच का जो टॉपिक है बच्चा बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं करके जाता है, क्योंकि ब्रांच अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक भी है, ठीक, और वेटेज वाइज को इतना बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो मैं भी यही रिकमेंड करता हूं कि ब्रांच को सबसे एंड में उठाना आप लोग, ठीक। सिंगल एंट्री, डिपार्टमेंटल और ब्रांच। डिपार्टमेंटल कर जाना, डिपार्टमेंटल अच्छा है, इजी है, आराम से हो जाता है, लेकिन ब्रांच थोड़ा टेक्निकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो सबसे एंड में उठा लेना ब्रांच को। इस तरीके से आपको करना है, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक ये आप काम करके चलोगे यहां पर, ठीक। ओके, अब डे टू में 7 बजे तक, इवनिंग 7 PM तक आपकी तैयारी काफी हद तक हो गई होगी, मोस्टली आपकी तैयारी हो गई होगी, पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई होगी, 90% हो गई होगी, 100% हो गई होगी, तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है सर, अगेन 2 घंटे का गैप देना है। ये जो मैं गैप का टाइम दे रहा हूं ना, ये गैप जरूर देना, कंटिन्यूअसली पढ़ाई मत करते चले जाना, माइंड हैंग हो जाएगा, ठीक। बीच बीच में गैप्स देते रहना, जैसे 7 बजे से 9 बजे तक आपको ने गैप दे दिया, डिनर वगैरह कर लिया, वॉक वगैरह कर ली, नैप ले लिया, जो मर्जी कर लो, रिलैक्स कर लिया। फिर अगेन आपको 9 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक बैठना है, 3 साढ़े 3 घंटे, जितना भी आपका मन करे बैठना। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो अगर तो आपका कोई टॉपिक रह गया है भाई, जो पर मैंने आपको शेड्यूल दिया था उसमें अगर आपकी कोई कमी रह गई है या कोई टॉपिक पूरा नहीं हो पाया, तो वो आप यहां पर लगा लेना, प्लस RTPs और MTPs उठाने शुरू कर देना। RTP और MTP उठाना, सर कितने RTP करूं कितने MTP करूं, देखो RTP की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको पिछले 4 RTP को जरूर देखना चाहिए। जैसे अभी May 21 का RTP आया, उससे पहले आपके पास January 21 का RTP था, November 20 का RTP था, और May 2020 में तो था ही शायद November 2019 का, मतलब पिछले 4 RTPs को आपको जरूर देखना चाहिए। MTP की अगर बात करूं तो आपके एग्जाम से पहले सर इंस्टीट्यूट हमेशा 2 MTP निकालता है, तो वो 2 MTP आप जरूर देख के जाओगे। RTP MTP काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, MTP तो लेटेस्ट 2 क्योंकि वही मिलेंगे आपको वेबसाइट पे, और RTP पिछले 4 जरूर देख के जाना। इतना काम आपको करके जाना है, ये आपको रात को 9 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक करना है। पहली प्रेफरेंस क्या रखोगे, अगर आपका कोई टॉपिक अभी रह गया है पूरी तरीके से नहीं हुआ है उसको उठाना, फिर RTP MTP पे आना, ठीक। अब आते हैं सर हम डे 3 पे, जो कि आपका एग्जाम डे है, 6 जुलाई का दिन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप लोग अगेन सुबह 6 बजे उठोगे। अब यहां पर एग्जाम का टाइम है सर, एग्जाम वाला दिन है, 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2.5 घंटे की आपको स्टडी निकालनी है। इस 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, इस 2.5 घंटे में आपको RTP और MTP ही लगाने हैं, क्योंकि आप रात को RTP MTP शुरू करोगे, एक बार ही में सारे पूरे नहीं होंगे, जो भी आपके रह गए हैं उनको फटाफट 8:30 बजे तक खत्म कर देना। 8:30 बजे तक जितने RTP MTP हो जाए खत्म करना, बस उसके बाद मत उठाना, उसके बाद नहीं उठाने आपको। 8:30 बजे तक जितना हो जाए उतना बहुत है सर, अगर हमारे 3 ही RTP हो पाए तो कोई बात नहीं, 3 ही कर लेना, कोई ऐसा नहीं है कि 4 ही करके जाने हैं, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के ऊपर कि हाँ मैंने तैयारी करी है अच्छे से। फिर 1 घंटे का आप गैप दोगे 8:30 से 9:30 का, इसमें आप नहाओगे दोगे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे। फिर 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक अगेन आप स्टडी निकालोगे। इसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको एक क्विक रिवीजन निकालनी है एज पर योर कन्वीनियंस, कि सर जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत लगती है, कोई आपके लिए टेक्निकल टॉपिक है तो उसको आप फटाफट देखना चाहो उसको देख लेना, मतलब 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में कहते हैं ना क्विक रिवीजन चाहिए आपको, कोई चीज आपको टेक्निकल लगती है उस टेक्निकल चीज को देख लिया, कोई फॉर्मूले में दिक्कत आती है, कोई प्रोविजंस में दिक्कत आती है या कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, उनको एक बार क्विक क्विक करके आपको फटाफट 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 क्या करना है देखना है। मैं तो देखो क्या करता था, हर एक चैप्टर को उठाता था, उसमें जहां एरिया में मेरे को लगता था फटाफट उसको देख लेता था, हर एक चैप्टर को ऐसे मैं 2 घंटे में फटाफट निपटा देता था। ठीक, कुछ भी नहीं समझ में आता कि सर क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में आता, एएस कर लेना बस। अगर आपको लगता है कि सर सब हो गया, सब खत्म हो गया, सारी चीजें आती है, मेरे को क्विक रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, फिर क्या करोगे आप? फिर आपको इन 2 घंटों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना। बात समझ में आ रही है? ये तरीका आप फॉलो करोगे फॉर योर अकाउंट्स प्रिपरेशन। ठीक, तो आपको क्या क्या मिला? 4 तारीख का पूरा दिन, 5 तारीख का पूरा दिन, 2 दिन पूरे पूरे, और 6 तारीख का एग्जाम से पहले के आपको 4 घंटे लगभग। ठीक, ऐसे ही मैं आपके लिए सर एडवांस अकाउंट्स की भी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, ऑडिट की भी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, जिसको आप फॉलो करोगे एंड आई विल डेफिनेटली, मैं आपको सर गारंटी देता हूं कि आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लोगे और वो एग्जाम टाइम का जो फियर होता है वो आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक, कुछ मैंने जनरल टिप्स निकाल रखी है जो आप जरूर एक बार पढ़ लो, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। रीच सेंटर एटलीस्ट 60 मिनट्स बिफोर एग्जाम, एग्जाम से कम 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाना, कोविड का टाइम है, एंट्री में टाइम लगेगा क्योंकि वो प्रिकॉशंस होंगी, चेकिंग होगी, सारी चीजें होगी, सैनिटाइजेशन होगी, तो आप अपनी तरफ से सर 60 मिनट्स पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। सर इतनी जल्दी पहुंच के करूंगा क्या? कोई भी एक शॉर्ट नोट ले जाना, अगर आप बहुत जल्दी पहुंच गए हो और फ्री बैठे हो तो चुपचाप एक कोना पकड़ लो और फटाफट वहां पर जो भी आपको रिवाइज करना है रिवाइज करते चले जाओ बस। ठीक, फिर भी कुछ नहीं करना तो सर किसी से फालतू की बातें नहीं करनी, कोई यारी दोस्ती नहीं निभानी यहाँ पर, इस टाइम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक, क्या होता है ना कि भाई जाते हैं और सेंटर पे जाते हैं, कोई दोस्त मिल जाता है, वो बोलता है कि तूने ये चीज देख ली, तूने ये चीज देख ली, उससे क्या होता है पैनिक क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और बाय चांस आपने वो चीज नहीं देखी होगी तो बस पूरा एग्जाम आपने खराब कर लिया, क्योंकि माइंड में वही चीज चलती रहेगी कि ये तो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, तो किसी से कोई बातचीत इस टाइम पे आपको नहीं करनी चाहिए। टेक प्रॉपर कोविड प्रिकॉशंस, कोविड की प्रिकॉशंस आप पूरी लेकर चलना, जो पहले 15 मिनट होते हैं रीडिंग टाइम जो आपको मिलता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। कैसे यूटिलाइज करोगे? डोंट रीड कंपल्सरी क्वेश्चन, पहले 15 मिनट में जब आपको पेपर मिलता है, रीडिंग टाइम जो होता है आपका, उसमें आपको कंपल्सरी क्वेश्चन रीड नहीं करना, क्योंकि वो तो आपको करना ही करना है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो उसको रीड करने में टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो 15 मिनट उसी को रीड करने में लगा दोगे आप। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन ढूंढ लो जो आपको लीव करना है, जो आपको छोड़ना है, उसको पूरे पेपर में निकाल लो, उस पर क्रॉस लगा दो कि ये क्वेश्चन मेरे लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद क्या करो, अपनी एक सीक्वेंस बना लो कि हाँ, बाकी क्वेश्चन में आप सीक्वेंस बना लो कि पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, आपने एक सीक्वेंस पेंसिल से अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख ली। क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा लिखना अलाउड नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसको एकदम से एंड में भी मत करना और सबसे पहले भी मत करना, ठीक, क्योंकि वो थ्योरेटिकल एएस बेस्ड होता है, स्टार्टिंग में अगर आप कर दोगे और उसमें गलतियां आ रही है, आंसर आपके ज्यादा अच्छे नहीं है, तो सर एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस आपके आंसर से नहीं होगा, पेपर से नहीं रहेगा। तो आप कंपलसरी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, या तो आप क्वेश्चन किसी ना एक दो क्वेश्चन के बीच में कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहता है, एंड में ही मत करना, नहीं तो वो छूटने के चांसेस हो जाएंगे। देखो अकाउंट्स है, पेपर थोड़ा लेंदी होगा, आपको शुरू से ही स्पीड बनाकर चलनी पड़ेगी। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर आपको अच्छे से लर्न करने हैं और आपको अपने आंसर में लिख कर आने हैं, क्योंकि सर लिमिटेड एएस है, ज्यादा एएस नहीं है, तो नाम नंबर एग्जैक्टली अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सर बिना एएस के नाम दिए, नाम नंबर दिए, सर आंसर इनकम्प्लीट लगता है, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा पूरी। ठीक, आपको आंसर एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना है, वर्किंग नोट्स और एजम्पशंस आपको क्लियरली मेंशन करनी है, पूरा फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, वर्किंग नोट एजम्पशंस वगैरह प्रॉपर देना। फॉर्मेट कोई ऐसा नहीं कि आपको पेंसिल स्केल से बनाना है, अपना ब्लैक पेन जो यूज करो उसी से फॉर्मेट बना लेना, लेकिन फॉर्मेट होना प्रॉपर चाहिए, क्योंकि जहां जर्नल एंट्री दे रहे हो तो वहां नरेशन जरूर देना, लेजर अकाउंट दे रहे हो तो प्रॉपर लिखना इन द बुक्स ऑफ दिस दिस दिस, एक प्रॉपर तरीके से आपको आंसर देना है। अपनी स्टेशनरी वगैरह लेके जाना, जैसे ब्लैक बॉल पेन वगैरह होता है और कैलकुलेटर वगैरह, ये सब चीजें लेके जाना, क्योंकि ये मैं बेसिक चीजें हैं लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर बच्चे इनमें भी गड़बड़ी करते हैं, कैलकुलेटर ले जाना भूल गए अकाउंट्स के पेपर में, ऐसी गलतियां मत करना प्लीज। डोंट फॉरगेट टू टेक एडमिट कार्ड विद यू, एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं बच्चे, सर एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना, प्रिंट आउट लेके जाना, फोन वोन में नहीं, प्रिंट आउट लेके जाना। एग्जाम टाइम पे ना आपको कोई ज्यादा हैवी मील्स वगैरह नहीं खानी चाहिए, थोड़ा लाइट लाइट रखना,
गर्मियों का टाइम है सर, लिक्विड डाइट ज्यादा लो, फ्रूट्स फ्रूट डाइट वगैरह ज्यादा लो, ज्यादा हैवी चीजें मत खाओ, एग्जाम के बाद जो मर्जी खाते रहना है लेकिन एग्जाम डेज पे नहीं, ठीक। हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखना, साफ सुथरे रहना, बीमार नहीं पड़ने चाहिए सर, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आप किसी भी इन्फेक्शन से बस अपने आप को बचा कर रखना। आपको एग्जाम खत्म होने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम खत्म होने के बाद अपने आंसर्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करने हैं, क्योंकि अगर कोई गलती निकल गई है उस गलती की वजह से सर आगे आने वाला पेपर खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे ही पेपर खत्म हुआ चुपचाप घर पे आओ, उस पे क्वेश्चन पेपर को रख दो साइड में, अगले सब्जेक्ट की किताबें निकालो और अगला सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करना। आपको भूल जाना सर, जो हुआ पेपर जैसा हुआ छोड़ देना उसे, ठीक। पेपर सारे खत्म होने के बाद फिर आप किसी से मर्जी से, फैकल्टी से डिस्कस करना है, किसी से डिस्कस करना है, फिर आप करते रहना। लेकिन सर मेरे पास भी कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, सर इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, एग्जाम्स के बाद जरूर दूंगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, जितनी तैयारी करके जा रहे हो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना, अपने ऊपर सर पूरा कॉन्फिडेंस रख के जाना कि हाँ मैंने तैयारी कर ली है। देखो 100% तैयारी हो अच्छी बात है, 100% तैयारी नहीं होती है, 90% तैयारी होती है, तो आप 90% में भी 100% कॉन्फिडेंट रहना, कि अगर आपने 10 में से 9 टॉपिक्स करे हैं तो 9 टॉपिक्स आपको ऐसे होने चाहिए कि भैया 9 टॉपिक्स में से कुछ भी पूछ लो मेरे को अच्छे से आता है, एक टॉपिक नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन वो 9 टॉपिक में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। तो आपको अपने ऊपर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इसी के साथ आई होप कि सर आप अच्छे से अपनी तैयारी करके निकलोगे और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, और आई एश्योर यू, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपना एग्जाम इस बार जरूर क्रैक करके निकलोगे, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जेन्युइन कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्वेश्चन रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, किसी भी चीज का, अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन करते करते कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डाउट भेज देना, आई डेफिनेटली आंसर यू, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा उसका, ठीक। बट मेहनत करनी पड़ेगी सर, मेहनत से पीछे मत हटना, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको कहां मिलेगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे जाकर आप इस वीडियो को ढूंढ लेना, मेरे चैनल का नाम है, कई बार बच्चों को मिलता नहीं है, तो चैनल का नाम है सीए इंटर अकाउंट्स एंड ऑडिट, इस नाम से सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो इस चैनल पे मैं आपको ये अपना पीडीएफ दे दूंगा, ये शेड्यूल फॉलो कर लेना एग्जाम टाइम में और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।